नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हले प्रथमे हेडलाइंस जारी रहिबो लॉकडाउन ना ओडिसा अब अनलॉक सरकारी अधिकारी को बयान रे रहुनी तालमेल स्वास्थ्य निर्देशक कहिथिले संक्रमण 5% रु कम थिले हेबो कोहळ एसआरसी कहिले ठीक कोडा समय रे जारी हेबो मार्गदर्शिका आजु अनलॉक है दिल्ली राजधानी में खोलुची मॉल और रेस्टोरेंट सरकारी ऑफिस में 100% ग्रुप ए कर्मचारी आसवाक अनुमति 50% क्षमता सहित आरंभ है मेट्रो और बस सेवा G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री संबोधन स्वास्थ्य और टीका उपरे देले गुरुत्व जलवायु सुरक्षा नहीं भारत प्रतिबद्ध थिबा कहले मोदी कोरोना काल में भारत सह छेड़ा होइतबारु बंधु राष्ट्र को जणाइले धन्यवाद सारा राज्य में सक्रिय है मौसुमी रविवार बाकी सातोटी जिले में बर्षिला सेपटे लघुचाप प्रभाव में प्रबल वर्षा संभावना 16 जाए मेघुआ रग आज पहली रज महामारी भितर फेका पड़ी मौज कटका भितर घरे पाड़े पर्व सेपटे राजधानी में अनलाइन में पहुंचुची पिठापड़ा और मिठापान दिल्लीर महाराज अग्रेसर हस्पिटाल ऑक्सीजन सेवा उद्घाटित पीएसए जेनरेटर प्लांट को लोकार्पण कले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कोरोना काल में गुरुतर रोगी को सहज में मिल संजीवनी मागड़े एबि भांगी लाल दुर्ग मलकानगिर स्वाभिमान अंचल में पहुंची पारि विकास गाड़ी रास्ता पा घर पलटे सात सपन देखा अर्गस ग्राउंड रिपोर्ट एवं कोरोना आक्रांत स्वामी आर्थिक सहायता लोड़े पत्नी सहायता पर सोशल मीडिया रे निवेदन कोलकाता रो घरे हॉस्पिटल चली डायने स्वामी स्वप्नेश्वर बेरा चिकित्सा जारी रहिबो लॉकडाउन ना ओडिसा हेबो अनलॉक एपरी कल्पना जल्पना भितर सरकारी अधिकारी बयान को नहीं द्वंद्व सेपटे स्पष्टीकरण रखिंट एसआरसी प्रदीप जेना अनलॉक नहीं सोशल मीडिया रे घुरु बुलुवा खबर को लोके विश्वास न करने सरकार ठिकणा समय मार्गदर्शिका जारी करेंगे जारी रकडाउन ना ओडिसा हेबो अनलॉक एपरी कल्पना जल्पना भितर स्पष्टीकरण रखिंट एसआरसी प्रदीप जेना ट्वीट करी एसआरसी दर्शाई अनलॉक नहीं सोशल मीडिया रे घूरी बुलुवा खबर को लोके विश्वास करूँ ना जून 17 पर कौन से नहीं सरकार निजर मार्गदर्शिका जारी करना ठिकणा समय राज्य सरकार मार्गदर्शिका जारी करेंगे तेरे सोशल मीडिया रे अनलॉक नहीं चली स्पेकुलेशन पक्षर कारण किसी सरकारी अधिकारी बयान बोली कहु शुणु अनलॉक नहीं पूर्व कौन कही जनस्वास्थ्य निर्देशक चिंता करा जाउछि आमर जेमिति आमे जोन रे विभक्त करछु तीनटी जोन रे लेस देन 5% पॉजिटिविटी 5-10% पॉजिटिविटी 10 रु ऊपर को तार उपर देखिकरि आमर जो दिन लास्ट डेट अछि ता उपर जा सरकार निष्पत्ति नेबे निश्चय भाव रे जोडी 10% ऊपर को रहिबो सेठी आमर कटकणा लागू रहिबा दरकार जोडी 5% तळ को गलेनी सेठी खुला हबा दरकार किंतु सेसम निष्पत्ति सरकार स्तर रे हबो सबु जिनस को व्याख्यान कर स्वास्थ्य निर्देशक बयान अनलॉक आड़ को दिशा निर्देश करुवा बेले स्वास्थ्य निर्देशक प्रकारांतरे देखा मंतव्य सोशल मीडिया रे स्पेकुलेशन पर खोराक जगह 17 पर कौन हेबो से नहीं खूब शीघ्र बैठक डक निष्पत्ति जोठी संक्रमण हार 5% तय रोच से जिलार किसी कटका कोहल कर स्वास्थ्य निर्देशक मात्र शेष निष्पत्ति सरकार ही ने अन्यपटे एसआरसी कहते सरकार खूब शीघ्र मार्गदर्शिका जारी करेंगे देशर जो राज्य में संक्रमण कमी कमी जाठार अनलॉक प्रक्रिया आरंभ हो सोमवार दिल्ली में आरंभ हो अनलॉक प्रक्रिया यार भितर ओडिशावासी आशा रखिंट सरकार खूब शीघ्र अनलॉक आड़ को जापारती कि दुई सरकारी अफिसर बयान में तालमेल न रहा लोक द्वंद्व में पक रिपोर्ट अर्गस न्यूज तीन मास परे अनलॉक है दिल्ली आज राजधानी में खोलुची मॉल बाजार
50% ग्राहकों सहित रेस्टोरेंट गुड़ी खोलिक अनुमति दि जाए। सरकारी ऑफिस गुड़िक 100% ग्रुप ए ऑफिस तो आसवा अनुमति दि जाता बेले 50% अन्य कर्मचारी ऑफिस आसीपारे से 50% क्षमता सहित दिल्ली में मेट्रो और बस सेवा आरंभ हो विवाह उत्सव किंवा अंतिम संस्कार कार्य 20 अधिक लोक एकाठी हो पारे ना सेपरी यात्री संख्या कटकणा सहित ऑटो टैक्सी को अनुमति मिल धार्मिक स्थल खोला रखा अनुमति मिलता बेले श्रद्धालु को मना हो सहित समस्त राजनैतिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि पूर्वपरी बंद रहा बेले स्विमिंग पूल स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिम सेंटर आदि बंद रहा। कोरोना काल में बसला G7 समितर प्रथम पर्याय बैठक बैठक में विश्वर सात प्रमुख राष्ट्रर राष्ट्रमुख्यों सह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से जोगदे भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन को संबोधित कर प्रधानमंत्री मोदी स्वास्थ्य टीका और पुनरुद्धार उपर गुरुत्वारोप गोटे मंच में एकाठी हेले विश्वर सात शक्तिशाली गणतांत्रिक राष्ट्र कोरोना काल में बसला G7 समितर प्रथम पर्याय बैठक बैठक में विश्वर सात प्रमुख राष्ट्रर राष्ट्रमुख्यों सह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से जोगदे भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन को संबोधित कर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य टीका एवं पुनरुद्धार उपर कर गुरुत्वारोप जलवायु नहीं भारत प्रतिबद्धता को उपस्थापन करने सह प्यारिस जलवायु सुरक्षा नियम को भारत पूरण कर प्रधानमंत्री यह अवसर में कहते गणतंत्र और आदर्शगत स्वाधीनता प्रति भारत सदा सर्वदा प्रतिबद्ध बोली मोदी अन्य राष्ट्र राष्ट्रमुख्य प्रतिश्रुति से कोरोना महामारी द्वितीय लहर समय G7 और अन्य राष्ट्र द्वारा भारत को मिलता समर्थन पर बंधु राष्ट्र को प्रधानमंत्री जनईले धन्यवाद। यह बैठक में विश्वर विभिन्न मुद्दा को नहीं आलोचना कर बैठक निष्कर्ष स्वरूप कोरोना महामारी मुकबिला निम्ते भैक्सीन ही प्रमुख अस्त्र बोली G7 अंतर्भुक्त समस्त राष्ट्र एकमत होते प्रधानमंत्री जी ने हमारा भारत का एक्सपीरियंस को रिफर किया है जो नेबरिंग कंट्रीज में है और जो अफ्रीका के देशों में है और जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के दायरे में आता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इंडिकेटेड दैट इंडिया स्टैंड्स रेडी टू डू मोर इन दिस रिगार्ड। ब्यूरो रिपोर्ट आर्गस न्यूज। सारा राज्य को छुईला दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु जून 10-21 जिला को मौसुमी प्रवेश कर सकता बेले रविवार आ 7 जिला को छुईला मौसुमी वायु अन्यपटे उत्तर पश्चिम बंगोपसगर लघुचाप सक्रिय रही आगामी 24 घंटे राज्यर केतेक स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना थी पानीपाग विभाग पक्ष आकलन करद्वारा नदी में जलस्तर वृद्धि पाइले वर्तमान नदी जलस्तर कम थी बनार संभावना ना बुलेटिन दे समय एक ब्रेक रहा। ब्रेक परे स्वागत। कोरोना काल रे रज मौज फीका पड़ी किंतु घरे घरे पालन होछि परंपरा गणपर्व खुशी माहौल को छोड़ाई नहीं महामारी कोरोना आज पहली रज महामारी चलित बर्ष फिका पड़ी रज मौज कोरोना कटक मानि घरे पिठापणा प्रस्तुत करी रज पाड़ को प्रस्तुत राजधानीवासी सेपटे ऑनलाइन ऑर्डर रे घरे पिठापणा आ मीठा पान पहुंची जा बालेश्वर आम प्रतिनिधि सौम्या रही बाबद आलोचना करवा जेहेतु कोविड कटक एथर समस्त घरे रज पालन करने को पड़ी केमती चली रज मौज सौम्या प्रथम तो आप जड़े झी हिसाब से जेहेतु आम ओडिया पर्व अनुसार झील मैंने विशेषकर रजने सजबाज हूँ तेणु आपण को अनेक अनेक अभिनंदन रज उपलक्षे और जानवाक चाहिए सौम्या बालेश्वर केमती रज सेलिब्रेसन कर प्रथमत निवेदिता शुभेच्छा पाई धन्यवाद एवं आम जदि कह रज वर्तमान कोरोना समय रे गोटे झील मानी कुआरी मान गोटे अभिशाप कहीगले भूल किसी भूल हम ना आम जमी जानलु जे रज हूँ गोटे गणपर्व झील मानी पर्व कि वर्तमान समय रे पुओ माने मध्ये रज पालन करुछंती कोरोना समय रे रज पालन करवा गोटे बड़ गोटे
ना से दोली दोली जो मजा आसीब ना से सांगसाथी मान सहित बुली बुली घर घर बुली बुली पिठापणा खाइबार मजा आसीब से सब मजा नथिले मध्य घरे किंतु रज किछि नियारा ढंग रे पालन करचोंती। आमे आज आसी पहुंचिचु बालेश्वर माणिखम रे तबे आमे एटि किछि झियो अछंती आमे सहित छोट छोट झियो अछंती आमे तंग सहित सीधा कथा हबा। मु कैमरा पर्सन को अनुरोध करबी एटि जहां सब रज पई जिंस अछि जेमिति के मिठा पान अछि पिठार मध्य व्यवस्था हेछि मिठार मध्य व्यवस्था हेछि घर भितरे बसी से माने निजे निजे सब प्रस्तुत करते जो मजा नबार निरा मजा नबार प्रयास करते आम ये अनुरोध करेंगे कैमेरामैन को देखापी गोटे छोट झी आम सहित अच्छी घर भितर ए दोली प्रस्तुत होती दोली लगी फूल कितु बाहर ए दोली होते कोरोना समय समस्त मन में गोटे इच्छा थाए रज समय दोली झुलवाई तेज आम सीधा सड़क देखुचे गोटे छोट झी घर तैयारी दोली फूल लगी दोली तेज आम सीधा सड़क कथा तुम रज पड़ुच केमती लागुस तुमको भारी र तुमको रज गीत गाई असे ठीक है गाइलो बनसे डाके लागुज वर सके धरी ऐसी चीज रज ऐसी चीज रज बौल गनिनु अस बाज बौल गनिनु अस बाज आम पाखे आउे छोट छोट कुमारी झील मैंने भी अच्छा आम सहित भी सीधा कथा आम पाखे आउ गए छोट छुआ अच्छी जहाँ जहाँ को रज को नहीं मन भितर बहुत किसी आकांक्षा कहीं से जीवन में बहुत किसी आग को जाए कि जितकी भी छोट सी अच्छी कितु रजर कौन महत्व कौन के रज बाबद जाने आम सहित सीधा कथा तुम ना कौन रज विषय सजबज देख दोली बांधी पिठा होची आउचु रज कौचु आम से भी बहुत दुखरे कहते आम देखा कर सब वर्ष आम जाऊ बाहर को बुलू खेल पिठापणा खाऊ मीठा खाऊ पान पड़ मान खाती आउ जो वयस्क मौसी अच्छा सहित मौसी आपण को एमती कौन ए बर्ष जेहेतु कोरोना रज गोटे कहला भाई रजर मौज किसी ना तथा घर भितर प्रस्तुत होठा मिठा पान यू केमी कौन आयोजन ए बर्ष ए वर्ष तो कोरोना सब बंद अच्छे से आम घरे घरे रजपाई सका उठिक गाधे लुगा लुगा पिंधि एलता पिंधि पिठापणा सजबाज हो पा नहीं कि रज मजु मानु आ पान जो गोटे अच्छे रजपान पानर केमी कौन यार विशेष कौन सेटा हूँ रजपाई से प्रथम से मैंने समस्ते पानटा को आम बनीचु बनई समस्ते खाइबू आ आपण जमी देखुले लुडो पटार भी मध्य व्यवस्था आई ऑनलाइन जो लुडो पटा घरे बसी से ना कौन कोरोना को भय अच्छी ना कौन बाहर अन्य लोक सहित संस्पर्श आसवर भय अच्छे से मैंने घर घर भितर बस लुडो पटा मध्य खेलुँच आम सहित आउ जो अच्छा कुमारी आम सहित सीधा साल कथा दीदी एथर घरे रही आम सब सेफली रज पालु आउ परिवार मानक सह आउ ऑनलाइन रे हमें फोन माध्यम रे संगसाथी मानकु रज विश करूचु आउ कोरोना रे तो समस्त को डाकी हबनी कि एकाठी बसी कि हमें रज खेली पारिबुनी सेति पई हमें एमिति रज पालन करूचु आम सहित आउ जने भी वयस्क लोक अछि ने हमें तांको सहित कथा हबा मासे आपण कुमारी थिला बेले भी रज पालन करथिले से समय रे गोटे रज पालन करिवार नियारा ढंग किछि थिला ए वर्ष कोरोना पाई टी सब बंद अच्छे से आम घर बस कर पोड़पिठा हुए हलदी पिठा आम करू मंडा काकरा भी करू आम मेन है पोड़पिठा
ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମେ ଶୁଣୁ ବି ଥିଲୁ ଯେ ପିଠା ଏଇଠି କିଛି ଥିଲା ଏବଂ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପୋଡ଼ ପିଠା ମଣ୍ଡା ପିଠା କାକରା ପିଠା ଏସବୁ କରିକି ସେମାନେ ରଜର ମଉଜ ନେଉଛନ୍ତି। କରୋନା ଆସିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ରଜର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମଉଜଟା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନ ହୋଇପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ବସି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରଜର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧା କଥା ହେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନା କରାଯାଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ଏବେ? ଘରେ ଆମର ଦୋଳି ବାନ୍ଧିଛୁ, ପିଠାପଣା କରୁଛୁ, ମିଠା ଦୋଳି ବାନ୍ଧିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳଉଛେ, ଆଉ ଗପ ଗୀତ ତା ଭିତରେ ନାଚ ସବୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ନିବେଦିତା, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ପିଠା ମିଠା ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତେବେ ରଜର ଯେଉଁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିବା କଥା ସେ ନ ମଜା ହୋଇପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରଜର ଏକ ପ୍ରକାର ମଉଜ ଘର ଭିତରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନିହାତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୌମ୍ୟା। ଆପଣ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ଏଠି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ରହି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଯେ କେମିତି ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ଯେ କେମିତି କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ କେହି ବି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, ଘରେ ରହି ସମସ୍ତେ ସେ କଟକଣା ମାନି ସମସ୍ତେ ରଜ ପାଳୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୌମ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। UAEରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ରଜ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ମା' ଓ ଧରିତ୍ରୀ ମା' ସମ୍ମାନର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରଜ ପର୍ବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। 21 ଦେଶରେ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଯେତେ ଆଦର ସହକାରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଆମ ସମାଜରେ ସମୟ ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତିନିରଥର ସମସ୍ତ ଚକ ଓ ଅଖ ସଂଯୋଗ ପରେ ଆଜି ଅଖ ଉପରେ ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଆଜି ଭୋଇ ସେବକ ତିନି ରଥରେ ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡା ପକାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରୂପାକର ସେବାୟତମାନେ ନାଟଗଡ଼ରେ ଖୋଦେଇ କାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହାତୀବେଶ ପାଇଁ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ରଣା ସେବାୟତ ବା ବେଶ କାରିଗରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ତିନି ରଥର ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି ସମସ୍ତ 42 ଚକ ସହ 21 ଅଖ। ଚକ ଡେରା କାମ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇସାରିଛି। ଦଣ୍ଡା ଫ୍ରେମ୍ ପୁନଃ ସେଟିଂ ପାଇଁ ନମ୍ବରିଂ କାମ ସରିବା ପରେ ଆଜି ଭୋଇ ସେବକମାନେ ନଡ଼ିଆ ଓ ମହାର୍ଧ ରଖି ପଞ୍ଚଦଣ୍ଡା ଅନୁକୂଳ କରିଥିଲେ। ତିନି ରଥ ଉପରେ ପଞ୍ଚଦଣ୍ଡା ସହ ପାର୍ଶ୍ୱଦଣ୍ଡା, ଆଗୁଆଣୀ ଓ ପଛୁଆଣୀ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୋଇ ସେବକ ପାର୍ଶ୍ୱଦଣ୍ଡା ସହ କୁଡ଼ୁକାର ସଂଯୋଗ କରି ବାନ୍ଧଣୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଅଖ ଓ ଦଣ୍ଡାକୁ ସଂଯୋଗ ପରେ ଗୋଳେଇ ହେବ। ଆଜି ଦଣ୍ଡା ସେଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥର 7 ଲେଖାଏଁ ଯୋଖା ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡା ଆସି ତିନି ରଥରେ ରଖା ହେଲା। ତିନି ରଥରେ ରଖା ସରିଲା ପରେ ମହାରଣା ସେବକମାନେ, ମୁଖ୍ୟ ସେବକମାନେ ନଡ଼ିଆ ମହାପ୍ରସାଦ ଥୋଇ ତାକୁ ଅନୁକୂଳ କଲେ। ଅନୁକୂଳ କରିସାରିଲା ପରେ ତିନି ରଥର ଦଣ୍ଡା ଏକ ସହିତ ଉଠିଲା ଉପରକୁ। ବାଧାବ୍ରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆଉ ବାଧାବ୍ରତ ହେବ କ'ଣ, ମାନେ ବର୍ଷା ସକାଶେ କିଛି କାମ କରିହେବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରଥ କାମ ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତି ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ କିଛି କାମ କରିପାରିନଥାଉ, ବସିଥାଉ, ପୁଣି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ କାମ ହେବ। ତିନି ରଥର ସମସ୍ତ କୋଣ ଗୁଜରେ ସିଂହ ବିରାଳ ଖୋଦେଇ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପଲିସ୍ କାମ ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ଏବେ ନାଟଗୋଡ଼ କାମ ଖୋଦେଇ ଚାଲିଛି। ନାଟଗୋଡ଼ରେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଖୋଦେଇ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସ୍ନାନବେଦୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ହାତୀବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏଣୁ ରାଘବଦାସ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠାରୁ ବେଶ ସେବକଙ୍କୁ ଲଗାଯାଇ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ହାତୀବେଶ। ସୁଲୋ, ଜରି, ଜମ୍ବୁରା, କଇଁଥ ଅଠା, ବେତ, ବାଉଁଶ କାଠି ଆଦିରେ ଏହି ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ନାଟଗଡ଼ରେ ଆମର ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି କନ୍ଧର୍ବର, ସେ ଗୋଟେ ପଟେ ତଳପଟଟା ହେଉଛି ଗୋଡ଼ ରହନ୍ତି, ପେଟଟା ପେଟ ରହେ, ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଧରନ୍ତି ଏବଂ ଧନୁ ଧରନ୍ତି। ସେଇ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଏଇନେ ଗୋଟେ ରଥର 8 ଲେଖେ ହୁଏ, ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଲେଖେ ପଡ଼ିଛି।
ତାପରେ ଆଉ ଚାରୋଟି ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋଲରେ ଯେଉଁ କିଆଫଳି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡାଳି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ତିଆରି କରିକି ସୁସଜ୍ଜିତ ଜରିମାନେ ଖଞ୍ଜି ସାରିଲୁଣୁ ଏବଂ ଆଉ ଖାଲି ବାକି ରହିଛି ପଟ ଖାଲି ବୁଣାବୁଣି କରିକି ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ କାନ ଥୋଡ଼ ଏବଂ ହାଣ୍ଡିଆ ଏସବୁ ବୁଣାବୁଣି କରିକି ଦର୍ଜି ସେବକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି ଆସି ଏଠି କନା ପକାଇବେ। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସ୍ଓପି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ। ସେପଟେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଓ ବାହାର ପରିସରକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ସରିଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।